सम्मिलित तो हो गया। अरे बोले पंडित जी ऐसे थिरका लगाना नहीं, बोले हम नाचना नहीं आता, हम जानते नहीं नाचना। अरे बोले हमारे पास ऐसा एक दिव्य पेय है, उसको पीते ही आपके पैर अपने आप थिरकने लग जाएंगे। तुरंत उन्होंने बोतल निकाली, इसको पियो, दुनिया रंगीन हो जाएगी, तुम भी नाचने लग जाओगे। करने ही नहीं, ये तो निषिद्ध वस्तु है। अरे कौन कहता निषिद्ध, फलों का विशुद्ध रस है, क्या कहें। इसकी निंदा करने वाले बड़े हतभाग्य हैं, तो बड़ी उत्तम चीज है, आप पियो तो सही। पिला दिया। दोषों का मथन करने वाला है। पावनम पावनानाम, पावनम पावनानाम, ये ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए अपावनानाम पावनम, पावनम अपावनानाम, अपवित्रों को पवित्र करने वाला हरि नाम, ये कहना चाहिए। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं पावनम पावनानम, पावनों को भी परम पावन बनाने वाला। इसका मतलब है कि जितने जीव को पवित्र करने के साधन हैं, उन साधनों के आश्रय से जीव पवित्र तो हो जाता है, लेकिन एक बार पवित्र होने के बाद फिर उसमें पुनः अपवित्रता नहीं आवेगी, इसकी गारंटी वो साधन नहीं देते हैं। आजकल तो हमने सुना है कि गारंटी अब बाजार में खत्म हो गई है, गारंटी वारंटी सब खत्म हो गई, ऐसा सुना है हमने। लेकिन कोई साधन गारंटी नहीं दे सकता कि अब तुम पवित्र हो गए, अब तुम्हें अपवित्रता छुएगी नहीं। केवल और केवल हरिनाम ऐसा है कि ये गारंटी देता है कि तुम्हें मैं इतना पवित्र बना दूंगा कि तुम्हें अपवित्रता छू नहीं सकती। आप कहेंगे उदाहरण दीजिए, भैया ताली मत बजाओ, उदाहरण दीजिए, उदाहरण क्या है। अजामिल का जन्म पवित्र कान्यकुब्ज विप्र कुल में हुआ था। भागवत जी में लिखा है कान्यकुब्ज द्विजक कश्चित दासी पति रजा मिला, सारे संस्कार उसके समय से गर्भाधान से लेके और केशांत व्रत विसर्ग पाणिग्रहण सब संस्कार उसके समय से हुए थे, सविधि हुए थे, और वो अग्निहोत्री ब्राह्मण था। विवाह के बाद वैदिक अग्निहोत्री की दीक्षा ली थी उसने, वेद पाठ करता था, अग्निहोत्र करता था, श्राद्ध तर्पण सब करता था।
देवार्चन करता था, पूर्ण वैदिक ब्राह्मण था वह, तो पवित्र तो हो गया था कि नहीं हो गया था बोलो। पर वे साधन फिर अपवित्रता नहीं आएगी इसकी गारंटी तो ले नहीं सकते। और वो अपने अग्निहोत्र के लिए समिधा लेने के लिए ही जंगल में गया था। माता जी इसी कुर्सी पर बैठ जाए, इधर ही बैठ जाए, सुभद्रा जी के बगल में। जय जय श्री राधे। आहा, क्या कह रहे थे हमको याद दिलाना? अजामिल हैं? अजामिल हाँ, वो यज्ञ अपने अग्निहोत्र के लिए समझा लेने गया था जंगल से। अब वहां कुछ उसको उसको कुछ संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी और ये तो स्पष्ट हो गया था कि ये कोई संकीर्तन के का संगीत नहीं है, कोई महामंत्र बढ़िया ताल स्वर से नहीं गाया जा रहा है, लोक गीत ही गाए जा रहे थे, ऊट पटांग जो आजकल के होते हैं ऐसी गाए जा रहे थे, अश्लील गीत। और इसके मन में आए कि अरे भाई देखें इस जंगल में इतना नाच गान हो रहा, चलें देखें। वहाँ देखने लग गया, खड़ा हो गया। अनेक जन्मों का दुष्प्रभाव चित्त पर वासना का तो रहता ही है, वासना वासी चित्त रहता ही है, और उस चित्त को जैसे ही अपनी प्राक्तन वासना की पूर्ति का कहीं भी कोई साधन मिलता है तो उसे उसमें स्वाद आने लग जाता है, स्वाद आने लगे तो खड़ा हो जाता, ठिठक गया। अरे बोले भाई देखो, हम तो सवेरे 3 बजे उठे और 3 बजे से लेकर रात को तक दिन भर कोई ना कोई खटक्रम में लगे, इनका भी जीवन है, क्या मस्ती से नाच गा रहे हैं, कैसी स्त्री इनके संग नाच रही है, देखने लग गया, राग पूर्वक देखने लग गया। उन लोगों ने देखा कि पंडित जी श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 कितनी हम लोगों के सौभाग्य की बात है, मिथिला के महान नाम जापक संत हम सबके ऊपर अनुग्रह करके कृपा करके पधारे हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जय विराजे। हाँ क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो वो देख रहा था खड़े खड़े, तो उन दुष्टों ने देखा पंडित जी बड़े प्रेम से देख रहे हैं, तो आप गए और घाल ही आने। अरे बोले मालदार लगता है पंडित, इसको कुछ अपनी तरफ करो, उसने कुछ माल ला के देगा तभी तो खाना पीना होगा। अरे पंडित जी वहाँ क्यों खड़े, इधर आइए इधर आइए, अभी थोड़ा एक ठुमका लगा लीजिए, नाच लीजिए थोड़ा सा, यहाँ कौन देख रहा है। उस ब्राह्मण को मन में सोचना चाहिए था कि हम रोज संध्योपासन में बोलते हैं ओम विश्वतस चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुयान धमन संपतत्रैर द्यावा भूमि जनयन देव एकः। उसको विचार करना चाहिए था कि विश्वतस चक्षुः, भगवान की आँख चारों ओर है, भगवान के हाथ चारों ओर हैं, भगवान के चरण चारों ओर, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ये भूल गया वो और उनके साथ सम्मिलित हो गया। अरे बोले पंडित जी ऐसे थिरका लगाना नहीं, बोले हम नाचना नहीं आता, हम जानते नहीं नाचना। अरे बोले हमारे पास ऐसा एक दिव्य पेय है, उसको पीते ही आपके पैर अपने आप थिरकने लग जाएंगे। तुरंत उन्होंने बोतल निकाली, इसको पियो।
दुनिया रंगीन हो जाएगी, तुम भी नाचने लग जाओगे। करने ही नहीं, ये तो निषिद्ध वस्तु है। अरे कौन कहता निषिद्ध, फलों का विशुद्ध रस है। क्या कहें, इसकी निंदा करने वाले बड़े हतभाग्य हैं, तो बड़ी उत्तम चीज है, आप पियो तो सही। पिला दिया और फिर उस ब्राह्मण का कितना पतन हो गया, कितना पतन। जो जितना ऊंचाई पर होता है उसका पतन भी उतना अधिक होता है। आप एक सीढ़ी पर हैं और गिरोगे तो कम चोट लगेगी, और दसवीं सीढ़ी ऊपर चढ़ गए तो वहां से गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगी। ब्राह्मण सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित है, और जब ब्राह्मण का पतन होता है तो भयंकर पतन होता है ब्राह्मण का। अन्यथा मत मानना, भजन में लग जाए तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है, और यदि कुसंग में पड़ जाए तो ब्राह्मण से अधिक निकृष्ट भी और कोई दूसरा, उससे अधिक निकृष्ट और कोई नहीं हो सकता। पतन की पराकाष्ठा पर वो पहुंच जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को सावधान रहने की आवश्यकता है, सभी को सावधान रहना चाहिए, पर ब्राह्मणों को विशेष, क्योंकि भगवान ने अत्यंत अनुग्रह करके उन्हें वृत्रकुल में जन्म दिया है, पवित्र माता पिता से जन्म दिया है, उन्हें तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तो पावन तो हो चुका था जामिल की नहीं, लेकिन पावन होने के बाद फिर परम अपावन हो गया। लेकिन हरिनाम कैसा है, बोले इन पावनकारी साधनों का आश्रय लेने वाले यदि हरिनाम का आश्रय निष्ठापूर्वक लेते हैं तो उन्हें कभी अपावनता का स्पर्श भी नहीं हो सकता। पावनम पावनानाम और कैसा है?